हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीआर फैशन। और इस वीडियो में मैं आपको इस सिंपल प्लेन कपड़े में बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो डिजाइन बनाने के लिए मैं यहाँ जरी थ्रेड और सितारों का यूज करूंगी। तो मैं इस जरी थ्रेड से इस प्लेन कपड़े पे नॉर्मल मशीन से डिजाइन बना के दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मेरी पिछली वीडियो में बहुत से कमेंट्स आए थे कि ये कौन सा थ्रेड है, इसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे जरी थ्रेड कहते हैं और इस थ्रेड को एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह में यूज़ करते हैं। आपको ये पूरी रील 20 से 25 रुपए में आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं इसे साइड में रख देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कुर्ती को पहले से कट करके रखा है। और अब मैं कुर्ती के बैक पार्ट को अलग करके रख देती हूँ। कुर्ती के फ्रंट पार्ट को मैंने यहाँ उल्टी तरफ से रखा है। ये कुर्ती की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो कुर्ती को मैंने उल्टी साइड से रखा है और फिर मैं ये पेपर पेस्टिंग ले रही हूँ। इस पेपर पेस्टिंग को कुर्ती की उल्टी साइड में आयरन से चिपकाएंगे। मैं इसे कुर्ती में चिपकाने के बाद आपको दिखाती हूँ। कुर्ती की उल्टी साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग चिपका ली है। पेपर पेस्टिंग एक तरह की चिपकने वाली बुकरम है। ये कागज की तरह पतला होता है। इसे कपड़े पे चिपकाने से कपड़े में कोई फर्क नहीं आता। कपड़े में पेपर पेस्टिंग चिपकाने का रीज़न ये है कि पेपर पेस्टिंग लगाने के बाद जब हम इस पे डिज़ाइन बनाते हैं तो डिज़ाइन बनाने में बहुत आसानी होती है। तो कुर्ती की रॉन्ग साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग चिपका ली है और मैंने 16 इंच की लंबाई पे पेपर पेस्टिंग चिपकाई है और 16 इंच पर मैंने कुर्ती में सीधी लाइन भी खींच रखी है। उसके बाद हम इस पे अपनी पसंद का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस कॉर्नर से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूंगी। इस कोने से 2 इंच पे मार्क करना है और 2 इंच पे मार्क करके यहाँ स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाली लाइन है, ये वाली नहीं, सॉरी, मुझसे यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ से 2 इंच पर मार्क करिए और लाइन ड्रॉ करिए। उसके बाद इस लाइन से फिर से 2 इंच पे निशान लगाना है। और फिर स्केल से इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम वापस 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर इन पॉइंट्स को स्केल से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ 2 इंच पे मार्क करके लाइनें बनाई हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं बाकी हिस्से पे भी लाइनें बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने बाकी हिस्से पे भी 2-2 इंच की दूरी पे तिरछी लाइनें बना ली है। पहले हमने इस कोने से तिरछी लाइनें बनाना स्टार्ट किया था। उसके बाद ये वाला जो कोना है, हम वहां से लाइनें बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये वाला जो कोना है, हम वहां से लाइनें बनाना शुरू करेंगे। तो अब इस कोने से मैं लाइनें बनाऊंगी। तो अब मैं वापस 2 इंच पर निशान लगा रही हूं और फिर स्केल से यहां लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। तो अब मैं वापस 2 इंच पर निशान लगा रही हूं। और फिर स्केल से यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस दोहराना है जैसे हमने पहले किया था।
फ्रेंड्स, जैसे मैंने दो दो इंच पर मार्क करके ये लाइनें बनाई हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं बाकी हिस्से पे भी लाइंस बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने बाकी हिस्से में भी लाइंस बना ली है। इस तरफ भी मैंने दो दो इंच की दूरी पे तिरछी लाइनें बना ली है। तो इस तरह से मैंने पूरा पैटर्न क्रिएट कर लिया है। उसके बाद मैं कुर्ती पे नेक की मार्किंग कर लेती हूँ। तो ये कुर्ती की सेंटर लाइन है, तो यहाँ से मैं गले की चौड़ाई 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ, मतलब टोटल नेक की चौड़ाई 6 इंच रहेगी। और गले की लंबाई मैं 5.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। नेक की मार्किंग करने के बाद मैं ये जरी थ्रेड ले रही हूँ। ये जरी थ्रेड ऐसे सिंगल धागे में है और मुझे धागा ऐसे डबल में चाहिए। तो उसके लिए मैंने जरी थ्रेड को 2 बॉबिन में भर दिया है और फिर मैं दोनों बॉबिन के धागों को एक साथ पकड़ रही हूँ और दोनों धागों को बराबर पकड़कर खींचना है और फिर मैं एक खाली बॉबिन ले रही हूँ और फिर डबल धागों को बॉबिन में भरना है। जरी थ्रेड को मैंने बॉबिन में भर लिया है। फ्रेंड्स, ये सिंगल थ्रेड थी तो इसको मैंने डबल थ्रेड बना के बॉबिन में भर लिया है। तो अब ये डबल थ्रेड बन गई है। उसके बाद मैंने ये बॉबिन केस लिया है। इस जरी थ्रेड को हम बॉबिन केस से यूज करेंगे। फ्रेंड्स, जरी थ्रेड को यूज़ करने से पहले बॉबिन केस में जो ये छोटा सा स्क्रू दिया हुआ है उसे थोड़ा लूज करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी बॉबिन केस से थ्रेड आसानी से निकल पाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपने स्क्रू लूज नहीं की तो थ्रेड बॉबिन केस से ठीक से नहीं निकलेगी और बार बार टूटेगी। तो बॉबिन केस में मैं जरी थ्रेड यूज करूंगी और मशीन में ऊपर की तरफ से मैं नॉर्मल थ्रेड यूज करूंगी। तो मशीन में ऊपर की तरफ से नॉर्मल थ्रेड से सिलाई आएगी और मशीन में बॉबिन केस से जरी थ्रेड से सिलाई आएगी। तो अब मैं मशीन से ये डिजाइन क्रिएट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल मशीन है और इसमें सुई 16 नंबर की लगी हुई है जिससे कपड़ा स्टिच किया जाता है। मैं यहाँ इस कोने से सिलाई लगाना शुरू करूंगी। तो सबसे पहले मैं इस लाइन पे सिलाई लगाऊंगी और फिर सुई को यहाँ रोकेंगे, फिर यहाँ सिलाई लगाते जाएंगे और इस लाइन तक हम सिलाई लगाएंगे। कपड़े की सीधी तरफ से जरी थ्रेड से सिलाई आएगी और उल्टी तरफ से नॉर्मल थ्रेड से सिलाई आएगी।
मशीन चलाने से पहले स्टिच रेगुलेटर को 4 नंबर पर सेट कर लें, क्योंकि हमें यहाँ डिज़ाइन बनाने के लिए बड़े टांकों की सिलाई लगानी है। मैंने पहले इस लाइन पे सिलाई लगाना स्टार्ट किया है और फिर इस लाइन पे सिलाई को लेकर जाना है और फिर इस लाइन पे सिलाई लगाते हुए जाना है, फिर इस तरह सिलाई को मोड़ते हुए इस लाइन पे लेके जाना है। फ्रेंड्स, इसी तरह मैं बाकी लाइन्स पे सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पूरे पैटर्न पे जरी थ्रेड से सिलाई लगा ली है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि मैंने किस तरह से सिलाई लगाई है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 16 इंच पे एक सीधी लाइन खींची थी और फिर मैंने ये पैटर्न बनाया था। और उसके बाद मैंने इस लाइन पे सिलाई लगाई और यहाँ सुई को रोक कर फिर यहाँ तक सिलाई लगाई और फिर सुई को इस लाइन की तरफ मोड़ते हुए इस लाइन पे सिलाई लगाई है। उसके बाद बाकी की लाइंस पे भी इसी तरह सिलाई लगाई है। फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद ये वाली जो लाइन है मैंने उस पर सिलाई लगाई है और फिर यहाँ पे सुई को रोक कर यहाँ ऐसे सीधी सिलाई लगा देनी है और उस तरफ भी मैंने बिल्कुल सेम यही किया है। ये जो लाइन है इस पर मैंने सिलाई चलाई और फिर यहाँ सुई को रोक कर ऐसे सीधी सिलाई लगा दी है और फिर बाकी की जो लाइनें हैं ऐसे सीधी सीधी गई है, ये कहीं से भी मुड़ी नहीं है, तो इन पर मैंने सीधी सिलाई लगा दी है। इस तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगाई है। तो इस तरह से मैंने पूरी सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इसे सीधी तरफ से पलट कर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, सीधी तरफ से हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के आया है और ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रही है। और नीचे की तरफ से जैसे हमने लाइन्स पे घुमाकर सिलाई लगाई थी, तो उससे बहुत सुंदर सी डिज़ाइन बन के आई है। उसके बाद मैं यहाँ ये सितारे ले रही हूँ और फिर जहाँ दो लाइनें क्रॉस हो रही है वहाँ पे सितारे स्टिच करेंगे। तो सितारों को स्टिच करने के लिए मैंने यहाँ सुई धागा लिया है। धागा मैंने गोल्डन कलर का लिया है। और अब जहाँ लाइनें क्रॉस हो रही है वहाँ पे सितारे स्टिच करेंगे। Thank you.
तो फ्रेंड जहाँ जहाँ पे लाइनिंग क्रॉस हो रही थी मैंने वहाँ पे सितारे स्टिच कर लिए हैं। तो फ्रेंड सितारे स्टिच करने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगी है। और फिर डिज़ाइन का ये हिस्सा मैंने छोड़ दिया है, यहाँ मैंने सितारे नहीं लगाए हैं क्योंकि ये हिस्सा नेक में चला जाएगा। तो यहाँ मैंने नेक पहले से तैयार करके रखा है, जैसे मैंने कुर्ती पे नेक की ड्राफ्टिंग की थी बिल्कुल वैसे ही मैंने नेक तैयार किया है। तो अब मैं नेक को कुर्ती में स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैंने कुर्ती पे नेक बना लिया है और गले पे मैंने गोल्डन कलर की पाइपिंग भी लगाई है। तो अब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बहुत सुंदर है। इस डिज़ाइन को बनाने में मुझे सिर्फ 15 से 20 रुपए का ही खर्च आया है। फ्रेंड्स आप भी बहुत कम खर्च में ये सुंदर सा डिज़ाइन अपने कपड़े पे बना सकते हो। फ्रेंड्स आई होप ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के डिज़ाइंस के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।